सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 28 मई 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? कोलकाता पश्चिम बंगाल ऐसा पहला शहर बना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के कारण और विवरण के साथ एक दस्तावेज है। जैव विविधता के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस लॉन्च किया जाएगा? केरल। भारत की किस निजी एयरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, स्काई रूट का परीक्षण किया है, जो कि एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने इसका परीक्षण किया है। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? मुंबई महाराष्ट्र में खुला है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? गीतांजलि श्री के लिए ये पुरस्कार जीता है, भी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। मूल रूप से हिंदी में रेत का मकबरा के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी राकवेल ने किया है। यह उपन्यास सीमाओं के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है, जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन इसकी नई अध्यक्ष बनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष बनी है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से है। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसके फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को IBA रेगुलेट करता है। स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंध समिति की नई उपाध्यक्ष अपराजिता शर्मा हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक हैं। यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष रॉबर्टा मेटसोला हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के तनजी ब्राउन जैक्सन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इस महोत्सव में 70 अलग अलग तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ है और स्वदेशी तकनीक से बनने वाली ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी प्रदर्शित किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में विदेश राजनयिक सरकारी अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सशस्त्र बल निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। पिछले टॉप 5 महोत्सवों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में मनाया गया है।
उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 नई दिल्ली में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया? यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पर चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत निर्देशक यार 3026 को शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इस पोत का निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने और लार्सन एंड ट्रबो लिमिटेड मुंबई ने। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर हो जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता और लार्सन एंड ट्रबो लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाई जा रही चार सर्वेवेशन परियोजनाओं में से दूसरा पोत है जो चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पोत को समुद्री मील की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। भारतीय नौसेना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा है। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, तुर्की पहले स्थान पर रहा है जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 2 ब्रांज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर आयरलैंड रहा है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। थर्ड नंबर पर कनाडा रहा है जिसने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आयोजन स्थल इस्तांबुल तुर्की, संस्करण 20वां इसका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है गोकुलम केरल ने जीता है। ए आपका आंसर हो जाएगा। गोकुलम केरल FC ने हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 के फाइनल मैच में सेतु FC को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता है। संस्करण 5वां इसका रहा है। हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 के अन्य पुरस्कार विजेताओं का नाम हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, विजेता गोकुलम केरल, उपविजेता सेतु FC हैं। सर्वोच्च गोल स्कोरर एल सादाई अचेमपोंग गोकुलम केरल FC 20 गोल्स के साथ। बेस्ट गोलकीपर मैबम लेन थोई गंबी देवी किकस्टार्ट से हैं। बेस्ट डिफेंडर लाइटू गबाम आशालता देवी गोकुलम केरल FC। बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर नोरेम प्रियंग का देवी इंडियन एरो FC से हैं। प्लेयर ऑफ द लीग मनीषा कल्याण गोकुलम करला FC से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर ऐसी पहली महिला बनी है प्याली बसाक। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के प्याली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848.86 मीटर है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कामी रीता शेरपा नेपाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहाँ शुरू किया है? गुरुग्राम में शुरू किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह को गुरुग्राम के हरसरू में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट निगाह ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के अंदर कंटेनर की आवाजाही की निगरानी करने में मदद करेगा, जिससे कि सीमा शुल्क विभाग को लंबे समय से खड़े कंटेनरों को तेजी से क्लियर करने में मदद मिलेगी। ICD इनलैंड कंटेनर डिपोट इसकी फुल फॉर्म अंतर्देशीय कंटेनर डिपो। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या ड्राई पोर्ट एक सूखा बंदरगाह होता है जो आमतौर पर रेल लाइन के निकट स्थापित किया जाता है ताकि सड़क मार्ग से सामान भेजने के भारी खर्च से बचा जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? मोहिंदर के मिधा ऐसी पहली दलित महिला मेयर बनी है। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी है? काइनबेस ऐसी पहली कंपनी बनी है। डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। 40वें प्रगति संवाद 2022 की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महिला 2020 चैलेंज के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एनएफटी पार्टनर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आज के जीके की तरफ हम आपको फ्रेंड्स लेकर के चलते, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? 14:3 होता है। दमन नदी भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली से दमन नदी गुजरती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 170 के बारे में बताया गया है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील जम्मू कश्मीर है। रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तिजारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? बैकरेल है। संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।